हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों ये है मेरे हाथों में बोया M1 माइक और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 800। इसको मैंने खरीद लिया है, लेकिन ख़रीदने से पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे, लेकिन मैंने ख़रीद लिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, और इसको अगर आप काइन मास्टर में वॉइस ओवर करने के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और यूट्यूब में मैं ख़रीदने से पहले यही इसी के बारे में सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे वीडियो नहीं मिला तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं बना देता हूँ इसी पर। दोस्तों मुझे पहले से पता था कि ओरिजिनल कैमरा से अगर वीडियो शूट करेंगे तो तभी बोया माइक काम नहीं आएगा, तभी आपका मोबाइल का माइक से ही वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। ये मुझे पहले से पता था, तो ये भी डाउट था कि काइन मास्टर में वॉइस रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ख़रीद लिया और अब मुझे पता है कि रिकॉर्ड हो जाता है वॉइस। आप काइन मास्टर में अगर वॉइस ओवर करने के लिए इस माइक को ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसी माइक से कर रहा हूँ, बोया M1 माइक से, तो इसका आवाज़ का क्वालिटी भी देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।